हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वास्तविक संख्याएं क्या अगला लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में और परिमेय संख्याएं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मतलब कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बीच में और भी परिमेय संख्या निकालना, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमारे मेरे राइट साइड में लिखा हुआ है 6 व 7 के बीच में तीन परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, ये 3 है, आप लोग इसको -5 -3 नहीं समझेंगे। ठीक है, 6 व 7 के बीच में कितने परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे हम लोग 3 परिमेय संख्या को निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे 6 व 7 के बीच में हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 व 7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 व 7 क्या है, हाँ एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, मतलब 6/1 और 7/1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, उन सभी चीजों को मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन में आप लोगों को बताते जाता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान देना है और याद रखना है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 व 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 6 व 7। ठीक है, क्या ले लिए, 6 व 7, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6 और 7। ठीक है, 6 और 7 ले लिए, तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6/1। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7/1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इसको 6/1 लिख सकते हैं, इसको 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 6/1 और 7/1 यहां पर लिखा जा सकता है। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालने हैं। जब भी अगर ऐसा पूछा जाता है आप लोगों को, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहां पर जो हर है, ठीक है, ये पार्ट होता है, अगर मैं यहां पर लिखूं 6/1, तो ये वाला पार्ट होता है हमारा अंश, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा हर, जिसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये अंश होता है, ये हर होता है, तो हमेशा याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो हर है, आपका जो हर है मतलब डिनोमिनेटर है, वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर, या फिर हम लोग हर बोल सकते हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना है, 1 है, 6/1 और 7/1, तो यहाँ पर 1 है, इसीलिए दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज पहले हम लोगों को ध्यान देना है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि दिए हुए परिमेय संख्या का जो हर है वो बराबर है कि नहीं, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है कि नहीं, वो चीज चेक करना है। यहाँ पर इक्वल है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो जब 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो आपको उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा अंश और हर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको जितनी संख्याएं निकालनी है उससे एक ज्यादा का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पर 3 संख्याएं निकालनी है तो हमको गुणा करना पड़ेगा 4 से, किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, किसमें, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों से करना पड़ेगा। तो यहां 6/1 है 6/1, यहां पर 7/1 है 7/1। ठीक है, तो अंश और हर दोनों में 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अंश और हर दोनों में 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, सबसे पहले अगर हमको दो परिमेय संख्याएं दी हुई है और उनके बीच में अगर और भी परिमेय संख्या निकालनी है, तो पहली बात आप लोग ध्यान देंगे कि उसके जो हर है, उसके जो हर है मतलब डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है 1 और 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि कितनी संख्याएं निकालनी है, हमको कितनी संख्याएं निकालनी है, हमको यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है।
तो तीन परिमेय संख्या निकालनी है तो उससे एक ज्यादा का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो चार से करेंगे, तीन से नहीं करेंगे। ठीक है, तीन से एक ज्यादा, तीन से एक ज्यादा क्या होता है, चार होता है। तो यहां पर चार का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स फोर जा 24, मतलब चार छक्के 24, और 4 1 4, मतलब चार एकम चार। ठीक है, ये आ गया 24 divided by 4, मतलब 24/4। क्लियर है, सेम एज इट इज यहां पर भी करते हैं, 4 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 4 का नीचे मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4/4 का यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 4 28, 4 1 4, या 7 4 28, 4 1 4, कितना आ गया, 28 divided by 4। क्लियर है, अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 24 divided by 4, कॉमा 24 से एक और ज्यादा लो 25 divided by 4, 25 से एक और ज्यादा लो 26 divided by 4। ठीक है, 26 से एक और ज्यादा लो 27 divided by 4, और उसके बाद आता है 28 divided by 4। ठीक है, 6/1 मतलब 24/4। ठीक है, 7/1 मतलब 28/4, मतलब 28 divided by 4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6/1 को या 6 को, ये किसको रिप्रेजेंटेड कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। 6 और 7 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं आप देख सकते हो, ये पहला परिमेय संख्या, ये दूसरा परिमेय संख्या, और ये तीसरा परिमेय संख्या। क्लियर, आगे समझ में, 24 divided by 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6/1, और 6/1 को लिख सकते हैं 6, तो मैंने लिख दिया 6। 28 divided by 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/1, 7/1 दैट मीन्स 7, तो मैं यहां 7 लिख दिया। 6 और 7 के बीच में तीन परिमेय संख्या आ गई, कौन कौन सी आ गई, 25 divided by 4, 26 divided by 4, 27 divided by 4। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच में और भी परिमेय संख्याएं याद कर सकते हैं। दो चीजें याद रखनी है आप लोगों को, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि दिए हुए परिमेय संख्याएं, दी हुई परिमेय जो संख्याएं हैं उसका हर क्या हो, बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को करना है कि जितनी भी संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, जितनी भी परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई करना है अंश और हर दोनों में। हमने कर दिया, 3 निकालनी थी, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उनके बीच में तीन परिमेय संख्याएं आ गई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम लोग और भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही इजी है, इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7 और 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमको निकालना है 4/7 व 5/7, मतलब 4/7 और 5/7 के बीच में और भी परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को तरीका क्या बताया है कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि दोनों का हर समान है कि नहीं। दोनों का हर देख लेते हैं, 7 और 7 है, दोनों का हर क्या है, समान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितनी संख्याएं निकालनी है उसके ऊपर जाएंगे। तो कितनी संख्याएं निकालनी है हमको, 5 संख्याएं निकालनी है। तो 5 संख्याएं जब निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 4/7 × 6, और यहां पर 6 ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर करेंगे तो 6 4 = 24, 6 4 = 24, 6 7 = 42, 6 7 = 42 आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग दूसरे नंबर के साथ करते हैं, 5/7 किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का अंश और हर में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 = 30, 6 5 = 30, 6 7 =
42 मतलब 6 × 7 = 42। इस तरीके से आ गया, लिख लेते हैं नंबर 24 डिवाइडेड बाई 42, फिर उसके बाद 24 के बाद क्या आता है 25 डिवाइडेड बाई 42, फिर उसके बाद 26 डिवाइडेड बाई 42, फिर 27 डिवाइडेड बाई 42, 28 डिवाइडेड बाई 42, 29 डिवाइडेड बाई 42 और लास्ट में हमारा 30 डिवाइडेड बाई 42। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 24 डिवाइडेड बाई 42 को क्या लिख सकते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 42 को 4/7 लिख लिए, और 30 डिवाइडेड बाई 42 को क्या लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 42 को लिख सकते हैं 5/7, 5/7 लिख लिए। आप देख सकते हो 4/7 और 5/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 1, 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5वीं परिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं आप लोग 4/7 और 5/7 मतलब 4/7 और 5/7 के साथ के बीच में आप लोगों ने निकाला 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या आप लोगों को निकल गया, 25/42, 25 डिवाइडेड बाई 42, 26 डिवाइडेड बाई 42 मतलब 26/42, 27/42, 27 डिवाइडेड बाई 42, 28/42, 28 डिवाइडेड बाई 42 और 29/42, 29 डिवाइडेड बाई 42। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में और भी परिमेय संख्याएं निकाली है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको कैसे सॉल्व करना है इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो स्टेप को फॉलो किया है। पहला स्टेप कि अंश बराबर है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो अंश तो अभी तक बराबर आ रहा था, लेकिन अगर हर बराबर आ रहा था, अगर हर बराबर नहीं आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, वो चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2/3 व 3/4 मतलब 2/3 और 3/4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 2/3 व 3/4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने, हम लोग चेक करेंगे कि दोनों का हर बराबर है कि नहीं, दोनों का हर बराबर है कि नहीं। तो इसका हर 3 है, इसका हर 4 है, तो दोनों का हर बराबर नहीं है। तो दोनों का हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का हर बराबर करने के लिए इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किनारे में एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम। तो ये कितना होगा, 2 2 जा 2 3 जा 1 जा और 3 1 जा 1 जा। ठीक है, एलसीएम आप लोगों को मेरे ख्याल से निकालते बनता होगा, आप लोगों से नहीं बनता होगा तो आप लोग 8th क्लास में जाएंगे, वहां एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तो 2 2 और 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 3 कितना आएगा, 12 मतलब 12 है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, 12। ठीक है, तो अब हमको वो 12 आया है, तो हम लोगों को इसके हर को 12 में चेंज करना है, मतलब 12 में चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3 में कितना होता है, 3 4 जा 12 मतलब 3 4 12। ठीक है, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 8/12। क्लियर, सेम एज इट इज इसके साथ करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, 3/4, 4 को क्या बनाना है, 12 बनाना है, क्योंकि इसका एलसीएम कितना है, 12। तो 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 3 = 12 होता है, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लीकेशन हर में करोगे वही मल्टीप्लीकेशन अंश के साथ भी करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9/12। अब हमारे पास दो नए नंबर है, कौन कौन से, 8/12 और 9/12 9/12। ये दो नंबर हमारे पास है, इन दोनों नंबर के बीच में अब हमको कितनी संख्याएं निकालनी है, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको 3 परिमेय संख्या निकालनी है। दोनों का हर चेक करो, दोनों का हर कितना है, इसका भी हर 12 है, इसका भी हर 12 है। इन दोनों के हर को इक्वल करने के लिए हमको इतना करना पड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब यहां 8/12 है, ठीक है, तो कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या। मल्टीप्लीकेशन किसका करेंगे,
चार का करेंगे, चार का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, चार का नीचे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कितना हो जाएगा 32/48, 8 × 32, 8 × 4 = 32, 12 × 48, 12 × 4 = 48, ठीक है। सेम एज इट इज 9/12 के साथ करेंगे 9/12, 4 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 4 का नीचे मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा 36/48, कितना आ गया 36/48। अब इसको लिख लेते हैं 32/48, फिर 33/48, 34/48, 35/48 और 36/48, ठीक है। तो 32/48 कहां से आया है, 32/48 किससे आया है 8/12 से, और 8/12 किससे आया है 2/3 से, तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूं, ठीक है। 36/48 किससे आया है 9/12 से, 9/12 किससे आया है 3/4 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/4, क्लियर है। अरे भाई 32/48 जो है, 32/48 किससे आया है 8/12 से, 8/12 किससे आया है 2/3 से, 2/3 लिख लिया मैंने। 36/48 आया है 9/12 से, 9/12 किससे आया है 3/4 से, 3/4 मैंने यहां लिख दिया। अब देख सकते हैं 2/3 और 3/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो यहां पर ये पहला, यहां पर ये दूसरा और यहां पर ये तीसरा, ठीक है। मतलब तीन परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, 33/48 मतलब 33/48, 34/48 मतलब 34/48 और 35/48 मतलब 35/48, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याएं हमको दी हुई है तो उनके बीच में और भी परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। अगर 10 परिमेय संख्याएं देगा तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए अगर बोलेगा तो आप लोग 13 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 13 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच में और भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए, कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लीजिए और उनके बीच में जितनी चाहते हैं आप उससे ज्यादा उतनी परिमेय संख्याएं यहां पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।